मेरा हाथ में रहेगा उधर जी क्या घूमो गया माने प्रतिपक्ष के नेता जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इन सभी पंचायत को बहुत दूर का घूम के जाना मंत्री के लिए जाना पड़ता था और आपके कर कमलों से ये सभी कार्य इनका विकास का रामपुर में आया। पूरी जनता की तरफ से आपका सबका हार्दिक धन्यवाद। मेरा आग्रह रहेगा माननीय आप जब पंचायती राज मंत्री थे आप ढंसा में आपने 16 अगस्त का शुभारंभ किया था हमारे पंचायत के प्रधान देशा गुडम जी तो मेरा स्वागत करना चाहेंगे आपको मेरा बहुत बहुत स्वागत अभिनंदन। मैं आग्रह करूंगा रामपुर के लोकप्रिय प्रत्याशी रे भाई कौल जी आप मंच पे आए आप सभी कार्यकर्ता और सभी आप अपना स्वागत रखें। कौल जी कौल जी का जय श्री राम जय श्री राम जय श्री राम बोलो भारत माता की जय भारत माता की जय दोनों हाथ ऊपर उठा के करेंगे जय राम जी को जय श्री राम जय श्री राम जय श्री राम स्वागत है भाई स्वागत है जय राम जी का स्वागत है स्वागत है भाई स्वागत है जय राम जी का स्वागत है। आज के इस जनसमर्थन रैली में हमारे बीच उपस्थित हिमाचल प्रदेश की आम जनमानस के दिलों में राज करने वाले पूर्व में हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे व वर्तमान में नेता प्रतिपक्ष परम श्रद्धा आदरणीय श्री जयराम ठाकुर जी हमारे साथ लगती विधानसभा से हमारे मित्र और अन्य विधानसभा के लोकप्रिय विधायक आदरणीय लोकेंद्र जी जिला मासू के सम्माननीय अध्यक्ष आदरणीय अरुण फालता जी हमारे रामपुर मंडल के सम्माननीय अध्यक्ष कुलवीर फून जी प्रदेश कार्यकारी सदस्य आदरणीय नरेश चौहान जी आदरणीय ब्रिजलाल जी आदरणीय श्यामलाल गुप्ता जी हमारे जिला के महामंत्री आदरणीय विजय गुप्ता जी सात लक्की विधानसभा से मंडल के अध्यक्ष बड़भाई अमर ठाकुर जी महिला मोर्चा के अध्यक्ष विष्णु भंडारी जी किसान मोर्चा के अध्यक्ष आदरणीय कायत जी एससी मोर्चा के अध्यक्ष गोपाल बंसल जी युवा मोर्चा के अध्यक्ष हमारे मित्र नागेंद्र जी बुद्धिजीवी प्रकोष्ठ के हमारे संयोजक सुरेश जी अलग अलग पंचायत से आए पंचायत के प्रधान उप प्रधान हर बीटीसी के सभी सदस्य बीटीसी के अध्यक्ष उपाध्यक्ष और यहाँ पर उपस्थित रामपुर विधानसभा से आई तमाम माताएं बहने बुजुर्ग युवा साथियों का मैं यहाँ पर उपस्थित होने के लिए बहुत बहुत स्वागत करता हूँ अभिनंदन करता हूँ। कौल जी आप आगे बढ़ो हम तुम्हारे साथ हैं। आप बहुत हर्ष का विषय है कि जिसका इंतजार रामपुर की तमाम जनता लंबे समय से कर रही थी आज ऐसे शख्स हमारे बीच यहां पर उपस्थित है। इंतजार भी क्यों ना हो क्योंकि आपके नेतृत्व में चलने वाली सरकार ने रामपुर के लिए इतना कुछ दिया था मुझे लगता है कि पिछले सरकार और जितनी भी सरकारों को हम देखेंगे उस सरकारों का आंकलन करें और आपकी सरकार का आंकलन करें तो आपने इतना कुछ यहां पर दिया है यहां की जनता सभी जानती है। दो दो उप तहसील रामपुर के लिए दी थैली चट्टी में उप तहसील और ज्यूरी में उप तहसील और दोनों उप तहसील फंक्शन थी दोनों में नायब तहसीलदार बिठा दिए गए थे दोनों में कर्मचारी बिठा दिए थे जनता की सुविधाओं को ध्यान में रखकर वहां पर काम चल रहा था। ननखड़ी में पीडब्ल्यूडी का डिसीजन दिया गया था तो ननखड़ी की जनता जो मांग करती है वहां सड़कों की हालत ठीक होनी चाहिए वहां की जनता ने मांग की कि वहां पर डीजल खुलना चाहिए ताकि वहां की रोडों की स्थिति ठीक हो सके और आपने जनता की मांगों को देखते हुए उस मांग को पूरा करने का काम किया वहां पर एक्शन को बिठा दिया गया।
नीरत में बिजली विभाग का सब डिविजन खोला गया था, कोलीघाट में सब डिविजन खोला गया था, रामपुर जो पीएससी था उसको पीएससी से सीएससी कर दिया गया था। ऐसे 10 प्रमुख संस्थान रामपुर के अंदर खोले गए थे मित्रों, केवल मात्र घोषणा नहीं की गई थी, सभी के सभी संस्थान यहां पर फंक्शन हो चुके थे। लेकिन दुर्भाग्य है कि जब से प्रदेश में सत्ता परिवर्तन हुआ, व्यवस्था परिवर्तन का निंडोरा पीटने वाली जो सरकार आई, किस प्रकार से व्यवस्था परिवर्तन हुआ हम सभी लोग जानते हैं। दोनों उप तहसीलें तो बंद हो ही हुई, वहां पर ताले भी लगाए गए, लेकिन जो दो उप तहसीलें पहले से ही चल रही थी वो सरहाल में और तकलेच में, वहां से भी नायब तहसीलदार को वहां से उठाकर भेज दिया गया। आज नायब तहसीलदार ना तकलेच में है ना सरहाल में है, लेकिन जो ज्यूरी और थैली चट्टी में उप तहसीलें खोल गई थी वहां पर बड़े बड़े ताले लगाने का काम इस सरकार ने किया है। नकड़ी में जो पीडब्ल्यूडी डिवीजन खोला गया था उस पीडब्ल्यूडी डिवीजन को बंद किया गया है। हाल ही में पिछले 2-3 दिन पहले हिमाचल प्रदेश के मंत्री महोदय ननकड़ी आते हैं तो ननकड़ी के ही कांग्रेस के मित्रों ने वहां पर उनसे मांग की कि ननकड़ी का पीडब्ल्यूडी डिवीजन खोला जाए और थैली चट्टी में उप तहसील खोला जाए। आज जनता पूछ रही है और यहां से नेतृत्व करने वाले उनसे भी पूछ रही है कि जो संस्थान खोले गए थे ये सब संस्थान आम जनता की सुविधाओं के लिए खोले गए थे कि नहीं खोले थे, आपको जवाब देना चाहिए। आपसे पूछ रही है कि जो संस्थान सुक्कू की सरकार में बंद किए गए हैं उसका समर्थन करते हैं कि विरोध करते हैं, आपको जनता के बीच में अपनी बात रखनी चाहिए, ये जनता आज पूछ रही है, हम सभी को पूछना चाहिए। पिछले 6 महीनों का अगर देखें तो सरकार के पास यहां पर जो भी नेता आते हैं वो अपनी उपलब्धियां गिनाते हैं तो 2 उपलब्धियां वो हमेशा गिना रहे हैं, बार बार गिना रहे हैं कि टिकर हमारी सड़क का हमने पीएमएसआई फेज 3 का हमने अप्रूवल दिलाई, सुंगरी ब्रांडली रोड है वो फेज 3 में हमने दिलवाया, जगड़ी खड़गा जो रोड है जो 5 करोड़ की राशि पीएमएसआई 3 फेज 3 के लिए आई वो हमने दिलाई है। मैं उनसे कहना चाहता हूं ये पीएमएसआई फेज 3 के लिए इसकी अप्रूवल 5 दिसंबर से पहले मनी जयराम ठाकुर जी के देर के कारण होगी। आज जो टिकर हमारी सड़क में काम चला है, आज जो टिकर हमारी सड़क में काम चला है उस वो भी जयराम ठाकुर जी की देन है, क्योंकि उस समय जयराम ठाकुर जी ने 10 करोड़ की राशि टिकर हमारी सड़क की मुरम्मत के लिए की गई थी और 10 करोड़ की राशि से आज टिकर हमारी का मुरम्मत किया जा रहा है। लेकिन आज वहां के कुछ लोग नेता आते हैं उनके पास बोलने के लिए तो कुछ नहीं है, उनके पास नया कुछ करने के लिए तो कुछ नहीं है, लेकिन जो उपलब्धियां जयराम ठाकुर की सरकार में जिसका योगदान है उसको ये अपनी उपलब्धियां गिनाकर भाई लुटाने का काम कर रहे हैं। लेकिन आज जनता समझ चुकी है, आज जनता पूछना चाहती है उनसे कि 6 महीनों की उपलब्धियां बताइए। माननीय जयराम ठाकुर जी आपने गृहिणी सुविधा योजना के माध्यम से गैस चूल्हे और सिलेंडर देने का काम किया, लेकिन आज गांव गांव में 2-3 दिन महीने बाद गैस पहुंचाई जा रही है, हाहाकार मची है कि सही समय पर सिलेंडर पहुंचाए नहीं जा रहे हैं। आज इस प्रकार की व्यवस्था परिवर्तन की बात सरकार कर रही है, रामपुर में किस प्रकार का व्यवस्था परिवर्तन हो रहा है हम सभी लोग जानते हैं। पिछले 2 महीने में हर हफ्ते 1 का शव सतलुज नदी के पास या कहीं ना कहीं मिल रहा है। पिछले 3 दिन पहले रामपुर से 3 महीने की बेटी को अगवा किया जाता है लेकिन अभी तक उसका पता नहीं है। आज जनता पूछ रही है किस प्रकार का व्यवस्था परिवर्तन है, किस प्रकार की कानून व्यवस्था है। कानून व्यवस्था पूरी तरह चरमरा गई है रामपुर के अंदर, एकमात्र जो 4 जिलों को का केंद्र है खनेरी हॉस्पिटल है, हॉस्पिटल में किस प्रकार की व्यवस्था चरमरा गई हम सभी लोग जानते हैं। हमारी माताओं बहनों को किस प्रकार की समस्या झेलनी पड़ रही है हम सभी लोग जानते हैं। अल्ट्रासाउंड की व्यवस्था नहीं है, गायनी का एक ही डॉक्टर है, ईएनटी का डॉक्टर नहीं है, एनएससीसी का डॉक्टर है लेकिन पिछले 2 हफ्ते से एनएससीसी वहां पर नहीं हो पा रही है। आज यह व्यवस्था परिवर्तन कांग्रेस सरकार की है। हमें गर्व होता है जब माननीय जयराम ठाकुर की सरकार थी कि खनेरी हॉस्पिटल में 32 के 32 डॉक्टर सेंक्शन थे और 32 के 32 डॉक्टर उस समय उपलब्ध थे। आज यह व्यवस्था परिवर्तन है कि आम जनता को समस्या झेलनी पड़े। यह सुख की सरकार किस प्रकार से आम जनता के लिए दुख की सरकार बनी है यह हम सभी लोग जानते हैं मित्रों। जैसे ही सरकार आई
सरकार ने तुगलक भी फरमान करते हुए सभी संस्थान बंद किए हैं और भारतीय जनता पार्टी ने पुरजोर विरोध किया। भारतीय जनता पार्टी ने पुरजोर विरोध किया और कहा यह संस्थान केवल मात्र भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के आधार पर नहीं खोले गए थे, यह भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के आधार पर नहीं खोले गए थे। तो जब माननीय जयराम ठाकुर जी रामपुर का दौरा होते थे तो लाखों हजारों की संख्या में वहां पर आते थे, मांग करते थे कि पीडब्ल्यूडी डिवीजन खोलना चाहिए, उप तहसील खोलना चाहिए। जब बार बार आग्रह करने के बाद माननीय जयराम ठाकुर जी हम सभी ने आग्रह गुजार लगाई और तब जाके संस्थान खोले गए थे। जैसे संस्थान बंद किए गए भारतीय जनता पार्टी ने मुहिम चलाई, हस्ताक्षर अभियान किया, गांव गांव में जनजागरण अभियान किया और लगातार सरकार से आग्रह करते रहे कि संस्थान को तुरंत बाहर किया जाए। ये संस्थान जनता की सुविधाओं के लिए खोले गए थे, जनता की सुविधा फिर से मिलनी चाहिए इसलिए संस्थान खोले गए। लेकिन उनके मुझे लगता है कि उनके दिमाग में बात समझ में नहीं आई। और आज इस जन समर्थन रैली के माध्यम से हम सरकार को चेताना चाहते हैं कि समय आते हैं संस्थान को बहाल किया जाए, नहीं तो आने वाले समय में रामपुर से एक अलग जगाई जाएगी कि सरकार के अगेंस्ट इस तरह का माहौल बनाया जाएगा और सरकार के प्रतिनिधियों का घेराव किया जाएगा कि यह तो मैं इसमें से सरकार को चेताना चाहता हूं। माने जयराम ठाकुर जी ने तो जो जो मांगा मुझे लगता है कि यहां पर पंचायत के प्रतिनिधि यहां पर उपस्थित है। मैं सभी पंचायत के प्रतिनिधियों को पूछना चाहता हूं किस प्रकार की कमी पंचायतों के लिए रखी गई। मैं बहुत ज्यादा दूर की बात नहीं करूंगा, 2022 के वर्ष की बात करें 10 करोड़ की राशि पंचायतों के लिए दी गई है। 10 करोड़ की राशि पंचायतों के लिए छोटे छोटे कामों के लिए जयराम ठाकुर जी के माध्यम से दी गई है। आज पूछे कितनी राशि हमारे को मिल रही है। जो महिला मंडल के काम जैसे पड़े थे वैसे के वैसे पड़े हैं, जो विकास के काम अपने पंचायत में होने थे वो सारे बंद पड़े हुए हैं। मुझे लगता है कि सरकार कह रही है कि पैसा नहीं है पैसा नहीं है, लेकिन अपनी सुख सुविधाओं के लिए किस प्रकार की व्यवस्था खड़ी करनी है उसके लिए तो पैसे की पूरी कोई कमी नहीं है। सीपीएस बनाए गए, चेयरमैन मंगाए गए, चेयरमैन भी सफल कैबिनेट का दर्जा दिया गया। मुझे लगता है कि जब जनता की सुविधाओं की जब बात आती है तो तब कहते कि पैसे नहीं है। आज हमें पूछना पड़ेगा अपनी सुख सुविधाओं के लिए तो जो करना चाहिए वो करने के लिए अगर आप लोग कर रहे हैं, लेकिन जनता की सुविधाओं के लिए जो करना चाहिए उसको भी करना पड़ेगा। हमें करवाएंगे आप सभी लोगों से। आज इस जन समर्थन रैली के माध्यम से हम सरकार से मांग करते हैं कि जो 10 संस्थान रामपुर के अंदर माननीय जयराम ठाकुर जी के नेतृत्व में खोले गए थे वो 10 के 10 संस्थान पुनः बहाल किए जाए। वो 10 के 10 संस्थान पुनः बहाल किए जाए, क्योंकि कांग्रेस को लोग भी कहते हैं जब हम उनसे मिलते हैं वो कहते हैं कि गलत हुआ जी। जब उनसे कहते हैं कि आप बोलिए, हम बोलते हैं कि राजनीतिक मजबूरी है हम बोल नहीं सकते, लेकिन हम आपके साथ खड़े हैं। आज हर आम जनता समझ रही है कि जो कांग्रेस की सरकार आया झूठ बोल कर आई है, झूठ बोल कर आई है। किस प्रकार के वादे उन्होंने किए थे आज इंतजार कर रही है महिला, इंतजार कर रही है 1500 रुपए हमारे अकाउंट में कब आएंगे। आज किसान इंतजार कर रहे हैं कि जो हमारे घर से गोबर 2 रुपए किलो गोबर उठाना था सरकार ने वो गोबर कब उठाया जाएगा। आज दुग्ध उत्पादक इंतजार कर रहे हैं कि 80 रुपए लीटर दूध हमारे से कब खरीदा जाएगा। आज युवा इंतजार कर रहा है कि 1 लाख प्रति वर्ष जो नौकरी देने का वादा सरकार ने किया था कि वो नौकरी कब खुलेगी, नौकरी खुलने की तो बात दूर है। तो जो एग्जाम हमारी सरकार में हुए थे उस एग्जाम का रिजल्ट भी वो घोषित नहीं कर पा रहे हैं। ये हाल प्रदेश सरकार है। तो मैं आप सभी के माध्यम से सरकार को चेताना चाहता हूं कि जो गारंटी आपने की थी, जो गारंटी वादा देने का आपने उसमें चुनाव से पहले आपने वादा किया था, उस वादे को पूरा कीजिए और जो संस्थान जनता की मांगों को ध्यान में रखकर खोले गए थे उस संस्थानों को पुनः बहाल किया जाए। इस तरह की मांग मैं इस मंच से कहना चाहता हूं और एक बार पुनः यहां पर उपस्थित हुए आप सभी लोगों का मैं धन्यवाद प्रकट करना चाहता हूं। और विशेषकर माननीय जयराम ठाकुर जी का आपने रामपुर के लिए समय दिया, आपका मैं हृदय से आपका आभार प्रकट करना चाहता हूं, धन्यवाद प्रकट करना चाहता हूं। हमारे मित्र लोकेंद्र जी जो साथ लगते विधानसभा
आंधी विधानसभा के लोकप्रिय विधायक हैं, आप भी इस कार्यक्रम में आए, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद प्रकट करता हूं। जय हिंद, जय भारत।